बांका सहित जिले भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। हालांकि इन समारोह के आयोजन पर कोरोना संकट का साफ असर देखा गया। समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। बांका में मुख्य समारोह आरएम के कैंपस में आयोजित हुआ, जहां जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए सुरक्षा बलों के संयुक्त परेड की सलामी ली। इससे पहले उन्होंने एसपी अरविंद कुमार गुप्ता के साथ सलामी गारद का निरीक्षण किया। सलामी परेड में इस बार बच्चों को शामिल नहीं किया। समारोह स्थल पर इस बार भीड़भाड़ भी सीमित रही। झंडोत्तोलन के बाद बांका वासियों के नाम अपने संदेश में जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने स्वतंत्रता के मानक आदर्श और अभिप्राय पर प्रकाश डालते हुए बांका जिला के गौरवशाली अतीत और उज्जवल भविष्य की चर्चा की। साथ ही बांका जिला के स्वाधीनता सेनानियों का भी आभार प्रकट किया। जिला प्रशासन द्वारा बांका जिले के विकास और यहाँ की प्रगति के प्रयासों की चर्चा करते हुए इनमें सहयोग के लिए जिले की जनता के प्रति भी जिलाधिकारी ने आभार प्रकट किया। उधर जिला पुलिस लाइन में एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने झंडोत्तोलन करते हुए जिले में कानून और व्यवस्था के संधारण में पुलिस बल के सजग और सक्रिय प्रयासों की सराहना की। उन्होंने जिले की जनता से भी कानून और व्यवस्था के संधारण में पुलिस को सहयोग की अपेक्षा पर बल दिया। इसके अलावा समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, अनुमंडल पुलिस कार्यालय, सभी थाना एवं सहायक थाना, प्रधान डाकघर, मंडल कारा, सिविल सर्जन कार्यालय, सदर अस्पताल, नगर परिषद, जिला शिक्षा कार्यालय, विद्युत प्रमंडल कार्यालय, पब्लिक लाइब्रेरी क्लब, जिला कृषि कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय आदि में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए। हर जगह इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए समारोह आयोजित किए गए। क्योंकि इसी दिन वर्ष 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था तथा भारत अंग्रेजों की रास्ता से मुक्त हुआ था। आज का यह पावन दिवस हमें अपने जीवन में शांति एवं सौहार्द के साथ उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण आज के इस कार्यक्रम में यद्यपि अधिक संख्या में सामान्य जन की भागीदारी नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम से अपने को अलग रखकर भी सभी व्यक्तियों के द्वारा स्वयं को कोरोना वॉरियर्स के रूप में इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता प्रदर्शित किया गया है, जो अत्यंत ही सराहनीय एवं उत्साहवर्धक है। बांका जिला भी कोरोना से अछूता नहीं रह सका और जिले में भी अब तक करीब बांका के फुल्ली डुमर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न भागों में स्वाधीनता दिवस को लेकर सादे समारोह में शारीरिक दूरियों का पालन करते हुए शान से तिरंगा लहराया। प्रखंडवासी देश प्रेम की भावना से लबरेज दिखे। इस अवसर पर प्रखंड कार्यालय में बीडीओ विकास कुमार, सीओ सतीश कुमार, सीडीपीओ मीना कुमारी, उप प्रमुख मनीष माला की उपस्थिति में प्रमुख गौतम प्रकाश, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, बीआरसी में बीईओ राम कुमार मिश्र, अमरपुर में थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने तिरंगा फहराया। प्रखंड समेत बदरिया पंचायत के तमाम नागरिक, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज देश कोरोना वायरस से त्राहिमाम कर रहा है, इसके लिए सावधानी बेहद जरूरी है। आइए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि स्वच्छता अपनाना है और कोरोना भगाना है। मास्क पहने एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। आज पंचायत में चहुंओर विकास का मैार बह रही है। समाज एवं पंचायत के हर तबके, हर वर्गों का सेवा करना ही मेरी पहली प्राथमिकता है। कुमार सन्नी, थानाध्यक्ष अमरपुर की ओर से संपूर्ण प्रखंडवासी, बिहारवासी एवं देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। कोरोना के इस संकट काल में अमरपुर पुलिस प्रशासन आपसे अपील करती है कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, शांति बनाए रखने में अमरपुर पुलिस की मदद करें। धन्यवाद। क्षेत्र के सभी आम आवाम, सभी सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी को जन्माष्टमी व स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व अनंत शुभकामनाएं। देश व समाज अभी कोरोना महामारी से गुजर रहा है, इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं, सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, हैंड वॉश, सैनिटाइजर वगैरह का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें। मैं सूर्यदेव सिंह,
मुखिया ग्राम पंचायत बिशनपुर सह पूर्व व भावी प्रत्याशी अमरपुर विधानसभा। स्वतंत्रता दिवस के अमरपुर प्रखंड समेत जिला के तमाम पदाधिकारी, नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों को हार्दिक बधाई। आज वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश, आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी मिलकर संकल्प लें कि कोरोना को हराना है, स्वच्छता अपनाना है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें एवं सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आम लोगों को जागरूक करें। मैं भरको पंचायत के सरपंच राकेश से। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर मृणाल शेखर के नेतृत्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया। इस दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सीबीआई जांच से इनकार कर रही महाराष्ट्र सरकार आखिर किसे बचाना चाह रही है। सुशांत सिंह के परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई आज पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। इसी क्रम में पुनः छोटा सा प्रयास करते हुए उद्धव ठाकरे का पुतला जलाकर महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी है कि हर कीमत में, हर सूरत में इंसाफ होकर रहेगा। आज़ादी के 74वें वर्षगांठ पर विधानसभा अमरपुर शहर से सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देते हुए आम लोगों से एकजुट होने की अपील की। इन्होंने कहा कि बिहार के लाल की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, हर हाल में फिल्म इंडस्ट्री का पर्दाफाश होकर रहेगा। इस अवसर पर पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार सौंडिक, भाजयुमो के नगर अध्यक्ष सुजीत कुमार कसेरा, विनीत कुमार धीरज महतो, पूर्व नगर अध्यक्ष गौतम मोदी, भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष भोलू पोद्दार समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्तागण मौजूद थे। बिहार के एक टैलेंटेड जो अभिनेता थे जिनकी मुंबई में हत्या हुई, मैं हत्या इसको कह रहा हूं क्योंकि जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, जो मुंबई पुलिस की भूमिका सामने आ रही है, जो महाराष्ट्र सरकार की संदिग्ध भूमिका लोगों के समक्ष आ रही है, वो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है कि कहीं ना कहीं से सरकार इन्वॉल्व है, उद्धव ठाकरे इन्वॉल्व है। और जिस तरह से आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत सिंह केस में सामने आ रहा है, सरकार जिस तरह से सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे दे रही है कि सीबीआई से जांच ना कराया जाए, बिहार पुलिस जब जांच करने गई तो उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से एक आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन किया गया, पूरे जांच को क्वारंटीन करने की कोशिश की गई, वो घटनाक्रम इस बात के लिए गवाही दे रहे हैं देश के लोगों के समक्ष कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है और जनता के सामने सभी चीजें आ गई हैं। आज इसी बात को लेकर अमरपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पुतला दहन किया और एक गुस्सा है, एक उद्वेलना है, एक आक्रोश है संपूर्ण देश के लोगों को। सुशांत सिंह के साथ जिस तरह से बर्ताव किया गया, उनके पिता के बारे में जिस तरह से संजय राउत ने बयान दिया, व्यक्तिगत टिप्पणी की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और महाराष्ट्र सरकार को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा और दूध का दूध पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी के का एक एक कार्यकर्ता सुशांत सिंह के परिवार के साथ है और न्याय मिलकर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत न्याय मिलने से रोक नहीं सकती। हम सभी बार बार सुशांत सिंह के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ अमरपुर विधानसभा के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ पूरे बिहार और देश की भारतीय जनता पार्टी खड़ी है।